मॉर्निंग एवरीवन। हमने लेसन 5 द फिश मॉन्गर का न्यू वर्ड्स का हिंदी अर्थ को जान लिया है, फिर भी हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद इस कहानी को रीडिंग करके इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा दी गई है उसे जानेंगे। फर्स्ट वर्ड है बायर, क्लाइंट। बायर मीन्स क्रेता या खरीदार, क्लाइंट मीन्स ग्राहक या मुवक्किल, कपल मीन्स दो या जोड़ा, डिलीट मीन्स मिटाना, फिशमोंगर मीन्स मछली बेचने वाला या मछली विक्रेता, फिक्स मीन्स स्थिर करना या लगाना, लाफ्टर मीन्स हंसी या खिलखिलाहट, प्राउडली मीन्स घमंड से या गर्व से, रेगुलर मीन्स नियमित, रिमार्क मीन्स टिप्पणी, रिमूव मीन्स हटाना, साइन बोर्ड मीन्स सूचना पट, स्टेल मीन्स बासी, सजेस्ट मीन्स सुझाव। देखिए, इस चैप्टर का टाइटल है फिश मॉन्गर, और फिश मॉन्गर का अर्थ होता है मछली बेचने वाला या मछली विक्रेता, जो यहाँ पे फिगर में भी दिखाया हुआ है। जमनालाल द फिश मर्चेंट हैड ए शॉप इन द टाउन। जमनालाल एक मछली व्यापारी था, उसका शहर में एक दुकान था। सम ऑफ हिज कस्टमर्स सजेस्टेड टू हिम दैट ही पुट अप ए न्यू साइन बोर्ड ऑन टॉप ऑफ हिज शॉप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स। अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसके ग्राहकों में से कुछ ने उसे सुझाव दिया कि उसे अपने दुकान के ऊपर में एक सूचना पट लगाने के लिए। जमनालाल वेंट टू ए पेंटर एंड आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर ए बोर्ड विद द वर्ड फ्रेश फिश शॉल हेयर। जमनालाल एक पेंटर के पास गया और फ्रेश फिश शॉल हेयर शब्दों के साथ उसने एक बोर्ड तैयार करने के लिए कहा। फ्रेश फिश शॉल हेयर मीन्स ताजी मछली, यहाँ ताजी मछली बेची जाती है। तो इस वर्ड के साथ जमनालाल ने पेंटर को एक बोर्ड तैयार करने के लिए कहा। इन ए फ्यू डेज द पेंटर मेड ए ब्यूटीफुल बोर्ड। कुछ ही दिनों में पेंटर ने एक बहुत ही सुंदर सा बोर्ड बना दिया। जमना प्राउडली फिक्स्ड इट ऑन टॉप ऑफ हिज शॉप। जमना बड़े ही गर्व से इसे अपने दुकान के ऊपर लगा लिया। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड दैट मोर पीपल स्टार्टेड कमिंग टू द शॉप फॉर फिश। वह खुश था कि बहुत से लोग उसके दुकान में मछली लेने के लिए आना शुरू कर दिए। ए फ्यू डेज लेटर वन ऑफ द कस्टमर्स आफ्टर लुकिंग एट द बोर्ड फॉर सम टाइम आस्क्ड व्हाई डू यू हैव द वर्ड फ्रेश रिटन ऑन द बोर्ड। कुछ दिनों के बाद उसके कस्टमर्स में से किसी एक ने बोर्ड को कुछ देर देखने के बाद उससे पूछा कि आपने बोर्ड पर फ्रेश वर्ड क्यों लिखा है। यू डोंट सेल स्टेल फिश हियर डू यू। आप यहाँ पे बासी बस मछली नहीं बेचते हैं ना। उसने कुछ दिनों के बाद एक कस्टमर आया, बोर्ड को देखा और उसे जमनालाल से पूछा कि आपने बोर्ड पर फ्रेश वर्ड क्यों लिखा है, कहीं आप यहाँ पे बासी मछली तो नहीं बेचते ना, ऐसा उसने पूछा। हियरिंग दिस रिमार्क द मर्चेंट कॉल्ड द पेंटर एंड आस्क्ड हिम टू डिलीट द वर्ड फ्रेश फ्रॉम द बोर्ड। इस तरह का टिप्पणी सुनने के बाद व्यापारी ने पेंटर को बुलाया और उसे बोर्ड से फ्रेश वर्ड को मीन्स फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, तो फ्रेश वर्ड को मिटाने के लिए कहा। द पेंटर डिड व्हाट ही वॉज आस्क टू डू। पेंटर ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया। नाउ द बोर्ड रीड फिश शॉल हेयर। अब बोर्ड में केवल फिश शॉल हेयर, यहाँ मछली बेची जाती है, ये वर्ड रह गया।
A couple of days later, another buyer approached the fishmonger and said, "Everyone knows that you are selling fish here and not anywhere else." 2 दिन के बाद एक दूसरा ग्राहक आया, खरीदने वाला आया और फिशमोंगर के पास पहुंचकर उसने उससे कहा कि हर एक कोई जानता है कि आप यहीं पर मछली बेचते हो एंड नॉट एनीवेयर एल्स, और कहीं दूसरे जगह पे नहीं और कहीं भी नहीं, मछली आप केवल यहीं पे बेचते हो और दूसरे मतलब और कहीं पर नहीं। सो व्हाई डू यू हैव टू राइट हेयर? तो आपको जब आप मछली केवल यहीं बेचते हैं और कहीं और दूसरी जगह पे नहीं बेचते, तो फिर आपको हेयर वर्ड यहाँ शब्द क्यों लिखना पड़ा? जमुना लाल गोट द वर्ड हेयर रिमूव्ड द नेक्स्ट डे। जमुना लाल ने दूसरे अगले ही दिन हेयर वर्ड को हटा दिया। नाउ द बोर्ड हैड ओनली टू वर्ड्स फिश शॉल। अब केवल बोर्ड में दो ही वर्ड बचा, फिश शॉल, मछली बेची जाती है। देन केम ए लेडी हु वॉज अ रेगुलर कस्टमर। सी शो द न्यू बोर्ड एंड से डू यू गिव फिश फ्री हेयर। दूसरे दिन तब एक महिला आई जो उसकी नियमित ग्राहक थी, उसने बोर्ड को देखा और कहा, क्या आप फ्री में मछली देते हो? नो, जमुना सेड, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन व्हाई डू यू हैव टू राइट सोल्ड ऑन द बोर्ड, आस्क द लेडी। तब उस लेडी ने उससे पूछा, तो आपको सोल्ड वर्ड क्यों लिखना पड़ा, बेचना वर्ड क्यों लिखना पड़ा? जब आप बेचते ही है, मतलब बेचना मतलब पैसे लेना, तो फिर आपने फ्री में आप मछली देते नहीं हो, फिर आपको ये बोर्ड में सोल्ड क्यों लिखना पड़ा, क्यों लिखे हो? जमुना लाल वॉज नॉट वेरी हैप्पी टू हियर दिस। जमुना लाल यह सुनकर बहुत खुश तो नहीं हुआ, नहीं खुश नहीं था। एनी वे ही गोट द वर्ड सोल्ड ऑल्सो रिमूव्ड। वैसे भी उसने सोल्ड वर्ड को हटवा दिया, सोल्ड वर्ड को भी हटवा दिया। नाउ ओनली फिश वॉज लेफ्ट ऑन द बोर्ड। अब केवल बोर्ड में फिश वर्ड रह गया। नो बडी कैन फाइंड फॉल्ट विथ द बोर्ड नाउ, सेड जमुना लाल टू हिमसेल्फ। जमुना लाल ने खुद से कहा ही था कि अब कोई भी त्रुटि इस बोर्ड पर नहीं पा सकता। ही हार्डली सेड दिस वेन ए न्यू कस्टमर टर्न्ड अप एट द शॉप स्निफिंग द एयर एंड लुक्ड एट द बोर्ड। उसने ऐसा कहा ही था कि एक नया कस्टमर वहाँ पे आ गया और सूंघते हुए उसने गंध लेते हुए उसने उसका गंध लेते हुए उसने बोर्ड को देखा, बोर्ड पर देखा। देन ही लुक्ड एट द फेस ऑन द टेबल एंड रोवर्ड विथ लाफ्टर। उसके बाद उसने देखा कि टेबल पे मछली रखा हुआ है, तो उसने खिलखिलाकर हंस दिया। वो मछली देखकर जैसे ही उसने कहा, फिश मोंगर ने कहा कि अब इसमें कोई गलती नहीं पाएगा, तभी एक नया कस्टमर आ गया और मछली का गंध सूंघकर उसने बोर्ड पर देखा, बोर्ड पर देखा। उसके बाद बोर्ड देखने के बाद उसने टेबल पर देखा मछली रखा हुआ, टेबल पर मछली को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द आइडिया ऑफ हैविंग दैट साइन विथ फिश? He said, उसने कहा, क्या मछली रखने का आइडिया है साइन के साथ, मछली मछली रखने का क्या तरीका है? एनी वन कैन स्मेल द फिश यार्ड अवे डाउन द स्ट्रीट। कोई भी इसका गंध सुन सकता है, इसके मछली का गंध को सुन सकता है और गली में आ सकता है। जमुना लाल फेल्ट दैट ही हैड एनफ जमुना लाल फेल्ट दैट ही हैड एनफ ऑफ हिज फुलिशनेस। जमुना लाल ने महसूस किया, उसको लगा कि काफ़ी मूर्खाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मूर्खता हो गया है। ही पुल डाउन द साइन बोर्ड एंड गेव इट टू द पेंटर एज ए गिफ्ट। उसने साइन बोर्ड को नीचे उतारा और उसे पेंटर को उपहार के स्वरूप दे दिया। तो इस फिश मोंगर की कहानी से
हमें क्या सीख मिली? यही सीख मिली कि दुनिया में हजार लोग हैं और हजार हजार लोग हजार तरह की बातें बनाते हैं। यदि हम उनकी बातों को सुन पर उन पर ध्यान दें और उनकी बातों को रिएक्ट करना शुरू कर दें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कहानी का सार यही है कि सुनो सबकी, करो दिल की। लोग जो बोलता है उसको सुन लो, सुन के उसके अनुसार काम नहीं करना चाहिए। मतलब सुनो सबकी, करो दिल की, सबकी सलाह सुनो पर आपका दिल जो कहता है आप वो करो। आपने नीचे की क्लास में, पिछली क्लास में कहानी भी पढ़ा होगा एक धोबी और गधे का, कि धोबी सबसे पहले धोबी और उसके बेटे ने गधे में सवार होके कहीं जा रहे थे। लोगों ने उसे कहा कि कितना ये लोग कितना बूढ़े गधे के ऊपर दोनों बैठ के जा रहे। उन्होंने क्या किया, दोनों उतर के गधे को टांग लिया, गधे को डंडा में बांधा, दोनों टांग के चल दिए। आगे जाने से लोगों ने कहा उससे कि कितने मूर्ख है कि ये खुद बैठ के जाना चाहिए टांग के। तब उसने क्या किया कि फिर गधे को उतारा, उसका बेटा बाप बैठ गया। फिर आगे जाके कुछ लोग कहता है कि कितना उसका बेटा ये स्वार्थी है कि अपना बाप, बूढ़ा बाप बेटे को चला रहा है और बाप बैठ गया। उसने क्या किया, बेटे को, आपने ये कहानी पढ़ा होगा, तो ये चीज क्या चीज को दिखाता है कि हर तरह के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। जो हमें अच्छा लगता है हमें वो काम को करना चाहिए। थैंक यू।